दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस से। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह से बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी भी आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने एक बार फिर से इस केस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि सीबीआई ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और सीबीआई ने कहा है कि अभी भी हमारी केस की जो जांच चल रही है वो पूरी नहीं हुई है। और जिस तरह से न्यूज एंकर्स और साथ ही तमाम मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि हमने अपनी जांच कंप्लीट कर ली है, तो ये पूरी से एक अफवाह है। दोस्तों सीबीआई इस देश की एक बहुत ही जानी मानी और प्रतिष्ठित पोस्ट होती है, इस वजह से सीबीआई का इस तरह से बिना कुछ जाने या फिर बिना कुछ सोचे केस को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना या फिर ये बता देना कि केस फाइनल हो चुका है, कहीं ना कहीं हमारे देश की एक बहुत बड़ी हार होगी। इस वजह से सीबीआई इस बारे में बहुत अच्छे से जानती है और सीबीआई ने कहा है कि हम अभी अपने केस को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और ना ही तो हमारा केस कंप्लीट हुआ है। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि ईडी और एनसीबी भी लगातार इस केस में दखलअंदाजी कर रही है और एनसीबी और ईडी भी लगातार इस केस में जांचने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। अगर इस केस में किसी भी तरह से एक बार फिर से पाया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बड़ी घटना हुई थी, तो यकीन मानिए कि एम्स का डॉक्टर सुधीर गुप्ता के ऊपर भी एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना हुई उसको किसी और ने अंजाम नहीं दिया, जो कुछ भी हुआ उसे सुशांत ने खुद किया था। अब दोस्तों कुछ ऐसे सवाल हम सभी के सामने आ रहे हैं जिसे देखने के बाद लगता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना हुई उसे खुद सुशांत ने अंजाम दिया। इसमें से एक बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून को आखिर क्या हुआ था, क्योंकि बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन श्वेता लगातार 13 जून से लेकर के 14 जून की सुबह तक फोन कर रही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून की रात से लेकर सुबह तक 14 जून के फोन नहीं उठाया। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जरूर कोई ना कोई व्यक्ति था जो उस घटना को अंजाम देने वाला था, इस वजह से शायद सुशांत सिंह राजपूत फोन नहीं उठा पा रहे थे। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल यह है, सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून को जूस पिया था, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की इस तरह की जांच की गई तो पता नहीं चल पाया और ये भी नहीं पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पिया था या फिर नहीं पिया था। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती की पड़ोसन ने एक बड़ा बयान दिया है और उसने कहा है कि रिया चक्रवर्ती और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत 13 जून को साथ थे और इस पड़ोसन का नाम है डिंपल। बता दें कि इस पड़ोसन की किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से पड़ोसन को बाद में अपना बयान भी बदलना पड़ा, लेकिन सीबीआई अभी इस पे जांच परख कर रही है और सीबीआई जानती है कि इस तरह से किसी का बयान बदल लेना काफी बड़ी बात होती है और सीबीआई डिंपल को सिक्योरिटी देकर एक बार फिर से जानने की कोशिश करेगी कि क्या रिया चक्रवर्ती सच में 13 जून को साथ थी और हो सकता है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाए और हो सकता है कि क्या पता एक बार फिर से कोई ना कोई सबूत सामने आ जाए जिससे पता चल सके कि 13 जून को रिया चक्रवर्ती उनके साथ थी भी या फिर नहीं थी। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने भी तमाम अपनी रिपोर्ट्स को बदलते हुए नजर आए हैं और साथ ही वो तमाम पुलिसकर्मी जो कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में इस केस को बहुत देर करते हुए नजर आ रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठनी चालू हो गई हैं। इस वजह से सीबीआई अभी तक अपने केस को अंतिम पड़ाव पर लेकर के नहीं आई है और सीबीआई जानती है कि अगर वो किसी भी तरह से इस तरह का बयान सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देती है कि उनका केस कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का सीबीआई के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा और सीबीआई इसी वजह से अब तक इस बात को नहीं बोल पा रही है कि उनका केस कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ईडी एनसीबी और सीबीआई मिलकर के जरूर सुशांत सिंह राजपूत के असली कातिलों को ढूंढ लेगी और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए कि सुशांत सिंह राजपूत को तो इंसाफ मिलेगा ही, साथ ही साथ देश के तमाम उन लोगों को भी इंसाफ मिल जाएगा जो कि चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के असली जो मुजरिम उनके चेहरे से पर्दा हट जाए। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसका चेहरा सामने आ पाएगा, साथ ही क्या रिया चक्रवर्ती इस केस में एक बार फिर से फंसेगी, आप हमें कमेंट करके बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।